यह शर्ट जो है स्टेन निकालने के बाद का है और आप देखिए इस शर्ट में कोई भी स्टेन नहीं लगा हुआ है और इस शर्ट में गुटका का स्टेन लगा हुआ था। तो आइए दाग को निकालते हैं। आप देख रहे हैं ये व्हाइट शर्ट है बेस में, लेकिन इसमें ब्लैक लाइनिंग बनी हुई है और आपको गुटका का दाग आसानी से दिख रहा होगा जो छोटे छोटे यहाँ पे बने हुए हैं। चूँकि यह शर्ट अच्छी क्वालिटी का है, इसमें ब्लैक लाइनिंग है, तो हम कोई अन्य केमिकल इसमें नहीं लगा सकते, इसलिए क्योंकि उसका ब्लैक लाइनिंग हल्की ना हो जाए या रिमूव हो जाए कलर उसका। तो हमने केवल सादे पानी से पहले इस कपड़े को भिगोया है और हाथों का आधार बनाकर, बेस बनाकर हमने इस दाग पे ये जो स्टेन ऑफ केमिकल मिलता है, स्टेन रिमूवर, उसका प्रयोग किया है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा बोतल की नोक से हम वहाँ पे गिरा रहे हैं और इसी से हल्का हल्का रब करने की भी कोशिश कर रहे हैं। इस शर्ट थोड़ा सा नाजुक है, इसमें हम ब्रश का प्रयोग करेंगे तो हो सकता है इसमें थोड़ा रेशे जो निकल जाते हैं ब्रश की वजह से, इसलिए हम इस स्टेन को निकालने के लिए ब्रश का प्रयोग नहीं करेंगे। सावधानी के साथ अपने हाथों से ही थोड़ा सा इसको रब करेंगे और बीच बीच में देखते रहेंगे कि दाग हटा है कि नहीं हटा है। अगर हल्का हुआ है तो यह प्रक्रिया एक बार और अपनाएंगे, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ है कि एक ही बार मैंने लगाया है और हल्का सा रब करने के बाद वो गुटका का दाग निकल गया है। तो आप लोग भी इस तरीके से चाहें तो स्टेन आपकी मदद से कपड़ों में गुटका का दाग, रंगीन कपड़ा हो, वाइट कपड़ा हो, आप यूज कर सकते हैं और दाग निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपने वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और ज़रूरतमंद के लोगों में शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार। आप इस चैनल को आर्थिक रूप से सहयोग करना चाहते हैं तो दिए गए QR कोड या UPI ID पर कोई भी छोटी या अपनी इच्छा अनुसार राशि भेज सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।